क्योंकि मदर्स डे है, मैं जरूर एक पल अपनी मम्मी के लिए दो शब्द कहना चाहूँगी, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर खड़ी हूँ तो मेरी मम्मी का बहुत बहुत उसमें प्रार्थना है, क्योंकि हम जो बच्चे हैं जरूर अपने घर से ही सीखते हैं। तो हमारी मम्मी जो थी क्या वर्ड यूज़ कर, ज़्यादा फास्टिंग मतलब उपवास, हाँ ज़्यादा उपवास और प्रार्थना करती थी। मैं छोटी से देखती थी और मम्मी ठीक 12 बजे प्रेयर करती थी। ये आज भी आप सब सोचते होंगे मेरा बेटा का नाम जिम क्यों है, क्योंकि मेरी मम्मी एक कहानी मुझे बोलती थी, मैं 2 मिनट में वो कहानी बोलूँगी, कि एक लड़का था, ऐसे ही छोटा सा लड़का, उसका नाम जिम था, और वो रोज़ 12 बजे ठीक मंदिर में, चर्च में जाकर, प्रार्थना तो उसको करना आता नहीं था, वो सिर्फ बोलता था मैं जिम आया हूँ। क्या बोलता था? प्रेयर करता, मतलब प्रेयर इस्लाम में एक ही वर्ड बोलता, मैं जिम आया। तो मम्मी ठीक 12 बजे प्रेयर करती थी। तो मैं ये कहानी क्या बोलती थी, तो क्या हुआ, एक दिन वो जिम लड़का बीमार हो जाता है और वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है। एडमिट टाइम ठीक 12 डिंग डिंग 12 बज रहा है और वहाँ कौन आ गए, यीशु मसीह। जोरदार तालियां। रोज 12 बजे यीशु मसीह से मैं जिम आया हूँ बोलने के लिए जाता था। वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है, क्या चर्च में तो जा नहीं सकता, तो कौन आ गए उसके पास, यीशु मसीह खुद आए और बोले जिम मैं जीसस आया हूँ, जिम मैं जी। तो ये कहानी है, सच है या मुझे पता नहीं, बट मम्मी जरूर 12 बजे फोन करती है और आज मैं भी वो चीज याद करती हूँ। और उसी के नाम से मैंने अपना पहला बेटा का नाम जिम, वैसे जो उसका नाम जस्टिन है बट हम जिम जिम बुलाते हैं। तो मेरी मम्मी का प्रार्थना, मम्मी का उपवास वाला प्रार्थना बहुत ज़्यादा मेरी लाइफ में ब्लेसिंग लाया है। ये जोरदार ताली बजाइए। तीसरा, मैं फिर से वही, जैसे संजीव जी ने कहा, ये जो फ्राइडे को इतना बड़ा आंधी जो आया वो खतरे से खाली नहीं था। अगर वो बाहर थे, अंदर भी डर लग रहा था, क्योंकि हम सब कमरे के अंदर ही थे, अंदर भी डर लग रहा था, मगर हमारा दूसरा बेटा मार्टिन बाहर था, उसके कॉलेज में कोई प्रोग्राम था। तो जब मैंने देखा रात हो गया, अभी आया नहीं और आंधी ऐसा हो रहा है, तो किसी को भी डर ही लगता है। तो मैंने भी उसको फ़ोन किया, मैंने कहा जॉनी कहाँ पर हो, तो वो कह रहा था ऐसे ऐसे जगह पर। मैंने कहा गाड़ी वहीं पर रोक दो, मैंने क्या कहा गाड़ी से जाता है, मैंने कहा गाड़ी वहीं कहीं साइड में रोक दो और जब तक ये आंधी खत्म नहीं होगा वहीं पर रहो। तो उसको भी लगा चलो मम्मी ने बोला है, शायद पापा से भी उसकी बात हुई, उसने गाड़ी वहीं पर रोक दी आंधी जब चल रहा था, और काफ़ी 1 घंटा से ज़्यादा चला था उस दिन आंधी और ये बारिश। और 1 घंटे बाद जब वो गाड़ी लेकर घर पर, एक ताली बजाने दौड़ कर घर पहुंचा, मगर बोला मम्मी जिस रूट में मैं आना था अगर मैं गाड़ी नहीं रोकता तो बिजली वाला कम्बा 2 रोड में पड़ा था, पेड़ पड़ा था, अगर हो सकता मैं गाड़ी लेकर आ रहा होता तो जरूर कुछ भी हो सकता था, मगर परमेश्वर को धन्यवाद हो कि मैंने एक जगह रोक कर खड़ा कर दिया था और जब सब ठीक हुआ तब आया। और आपको पता है शहीद नगर में भी 2 खंबा गिर गया था, लाइट बिल्कुल नहीं थी शहीद नगर में पूरा दिन और अगला दिन भी नहीं था। तो परमेश्वर ने बचाया और उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं।